धनराज पिल्लै भारतीय हॉकी टीम के मशहूर खिलाड़ी रहे हैं। इन्होंने भारतीय हॉकी को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। इन्होंने टूटी हुई लकड़ी और बेकार हो चुकी गेंदों से हॉकी खेलने की शुरुआत करी थी। बता दें कि इनका जन्म महाराष्ट्र के खड़की में 16 जुलाई 1968 को एक तमिल परिवार में हुआ था। इनके पिता ग्राउंड्समैन थे जो खेल के मैदानों की देखभाल किया करते थे। यहीं से धनराज पिल्लै ने अपने भाइयों और दोस्तों के साथ हॉकी के हुनर को निखारा। ये मशहूर खिलाड़ी मोहम्मद शाहिद की शैली की नकल किया करते थे। धनराज अपनी सफलता का श्रेय अपनी माँ को देते हैं, जिन्होंने बेहद गरीब होने के बावजूद अपने पांचों बेटों को हॉकी खेलने के लिए प्रोत्साहित किया। धनराज ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच 1989 को दिल्ली में आयोजित एल्विन एशिया कप में खेला। 1989 से 2004 के बीच धनराज ने 339 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले। इन्होंने अपने करियर में 170 गोल दागे। 4 ओलंपिक वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, एशियन गेम्स खेलने वाले धनराज इकलौते खिलाड़ी हैं। फिलहाल धनराज भारतीय हॉकी टीम के प्रबंधक हैं।